ब्रह्मचार्य का पालन कैसे किया जाता है? अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है, आपके भी हाथ पैर सूखते जा रहे हैं, कमजोरी आ गई, आपके भी बाल झड़ रहे हैं, या आप भी काले होते जा रहे हैं, सांवले होते जा रहे हैं, और अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं तो आपको ये सब कुछ मैनेज करना सीखना चाहिए। तो ब्रह्मचार्य का पालन कैसे किया जाता है आज आप इस वीडियो में बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है तब आपको ये सॉल्यूशंस के बारे में ध्यान आता है, जैसे कि आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है तो आप सोचते हैं यार मेरी दाढ़ी क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है, क्या रीज़न है, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं तभी भी आप सोचते हैं यार मेरे कम एज में भी बाल झड़ने लगे हैं, या फिर आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं कर रही, आपका दुबला पतला शरीर और दुबला पतला होता जा रहा है, आप अच्छी से अच्छी डाइट ले रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही, गेन नहीं कर रही, या फिर आपका ऑटोमेटिक जो चेहरा है वो बुड्ढे टाइप का होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, या फिर वो ब्लैक होता जा रहा है, ऐसा आपके साथ होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इन सब होने का रीजन क्या होता है। अगर आप मैस्टरबेट करते हो, मैस्टरबेट यानी हिलाना, अगर आप बहुत ज्यादा कंडीशन में ये काम करते हो तो आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, आपकी बीएड की प्रॉब्लम्स, आपका फेस, जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है, आप बुड्ढे टाइप के दिखने लग जाओगे, और आपकी दाढ़ी भी नहीं आएगी, बालों की प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, या फिर आप ड्रिंक स्मोक वगैरह बहुत कुछ करते हो, तो इन सबको आप साइड में रख के अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हो, वाकई में आप सीरियस हो। देखो हर कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकता है, ये वीडियो वही लोग देख सकते हैं जो वाकई में सीरियस है, ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। तो मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ ब्रह्मचार्य का पालन करने की। अगर आपने ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया तो आपकी दाढ़ी, आपके बाल, आपकी बॉडी, आपका फेस, आपका पूरा बॉडी आप जैसे चाहो वैसे कंट्रोल मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं उनको अकेला स्पेस दिख जाए तो वहां पर वो मैस्टरबेट करना चालू कर देते हैं, हिलाना, कभी भी कहीं भी जाके वो अकेलेपन में, जब उनको एक ही लत सी लगी रहती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो सबसे पहला काम वो ही आता है, तो आपको वो बंद करना है। अगर आपने वो बंद कर दिया, वो भी कैसे बंद करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, आप कोई स्टडीज वगैरह कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आपको एक ही ख्याल आता है कि भाई मुझे वो हिलाना है। नेक्स्ट, आप रोजाना आपका फोन का यूज करते हो लेकिन उस फोन में आप क्या देखते हो, गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी मूवीज, सब कुछ गंदे वेब सीरीज वगैरह, सब कुछ ऐसा देखते हो जिससे कि आपके हार्मोन्स आपसे कंट्रोल नहीं हो पाते और आप मैस्टरबेट करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात आपको जो आपका ध्यान है ना वो आपके कंट्रोल में रखना चाहिए, आपके अंदर आपको एक बात बिठानी, भाई मुझे आज से गंदे काम नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचार्य का पालन करना है। पालन करने का क्या तरीका होता है, आप अगर अकेले स्पेस में रहते हो तो आपके माइंड में ऐसा ध्यान आता है, लेकिन अगर आप आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके फादर, मदर, ब्रदर्स, इन सबके साथ अगर आप रहते हो तो आपको ऐसे थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आप उनके रिस्पेक्ट करते हो, तो उनके सामने आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा जो कि आपको करना चाहिए। अगर आप यही काम करना चाहते हो, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हो, तो आपको ये काम जरूर से जरूर करना चाहिए। सेकंड, जो आप स्टडीज वगैरह करते हो तो उसमें आपको यूनिकनेस वाली, जैसे कि फनी वाली या आपको नॉलेज देने वाली स्टडी आपको करनी चाहिए, जिसमें कि आपका मन लगे और आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आपने वो काम कर लिया तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भी आपको ऐसा मन करे कि मुझे कुछ हिलाना है या फिर मैस्टरबेट वगैरह करना है, तो आप तुरंत जाके वर्कआउट करें। वर्कआउट करने से आपके जो हार्मोन्स है जो उछल रहे हैं जो वो गंदा काम करने के लिए, तो वो आपके हार्मोन्स वर्कआउट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको एक अलग एनर्जी देंगे, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर सकते हो और उससे आपकी बॉडी मसल्स भी ग्रोथ कर सकते हो। जिस इंसान ने भी 3 से 4 महीना या 1 साल ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया, उस इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आप वर्कआउट ज़्यादा करते हो तो उससे आपके फेस पर पसीना आता है, पसीने से आपके होल्स ओपन होते हैं, जिसके अंदर से दाढ़ी के बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वर्कआउट अच्छा करते हो तो आपके ब्लड का प्रेशर मैनेज होता है और आपकी जो बॉडी मसल्स है वो ग्रोथ होती है, इंक्रीज होती है, जिससे कि आपकी जो वेट गेन ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। अच्छी डाइट आपको लेना है, जो ड्रिंक स्मोक वगैरह, तंबाकू वगैरह ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आपको नहीं खाना है। अच्छी डाइट में आप हरी सब्जियां ले सकते हो, या फिर आप जो विटामिन प्रोटीन्स वाली चीज़ होती है वो ले सकते हो, अच्छी अच्छी दालें ले सकते हो, जितनी भी दालें वो खा सकते हो, सिंपल सा रोटी खा सकते हो, ब्राउन राइस भी खा सकते हो जो कि अच्छा विटामिन वाला सोर्स होता है, या फिर आप अंडे, मीट, मांस, मछली ये खा सकते हो। तो ये अगर आपने कर लिया और आपका माइंड का थॉट्स आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ब्रह्मचार्य का पालन
कर सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, मैंने भी लाइफ में ऐसे बहुत से काम किए, मैस्टरबेट वगैरह बहुत कुछ किया, पर उससे मेरे की लाइफ जो है वो डामाडोल सी हो गई थी, मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत कुछ लाइफ में चेंज हुआ। लेकिन जब मैंने ब्रह्मचार्य का पालन, जो भी इंसान ब्रह्मचार्य का पालन करता है उसकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है, आप उसको देख के समझ जाओ कि भाई ये कहीं ना कहीं या तो ये गलत काम कर रहा है या फिर ये काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है। आपकी बियर्ड अपने आप बता देती है, जो भी इंसान ब्रह्मचार्य का पालन करता है उसकी दाढ़ी आने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी जो दाढ़ी है वो काली घनी मोटी ग्रोथ होती है, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है और आपको नॉलेज मिला है और आप भी आज से ही संन्यास ले रहे हो या फिर सन्यासी बन रहे हो, ब्रह्मचारी बन रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना आपके माइंड में क्या चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।